आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर है जिसके 30 डिविजन्स हैं और करंट सेंसिटिविटी हमें दे रखी है 20 माइक्रो एम्पीयर्स पर डिविजन। उसमें हमें दे रखा है कि रेजिस्टेंस हमारी 25 ओम्स है। उसे पूछा है कि हाउ इसको हम लोग एमीमीटर में कन्वर्ट किसे कर सकते हैं जो मेजर करता है 1 एम्पीयर तक का करंट, और इस एमीमीटर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में जो मेजर कर सकता है 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है करंट सेंसिटिविटी, जो करंट सेंसिटिविटी है वो है 20 माइक्रो एम्पीयर्स पर डिवीजन, और जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जी वो है 25 ओम्स। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होगा वो हो जाएगा IG इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁶ × 30, क्योंकि हमारे पास 30 डिविजन्स है। तो फुल स्केल मतलब पूरे 30 डिविजन्स के डिफ्लेक्शन के लिए हमारा इतना करंट होना चाहिए। तो ये जाएगा 6 × 10⁻⁴ एम्पियर्स। और टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर, तो हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक शंट रेजिस्टेंस हमें लगानी होगी जिसकी वैल्यू होती है IG / IG × G। तो ये हमें पता है इसको हम लोग लिख सकते हैं IG हमारा 6 है, 6 × 10⁻⁴ बाय 1 − 6 × 10⁻⁴ इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 25। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, तो यह 1 ही रहेगा। इस ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हो जाएगा 150 × 10⁻⁴ जाएगा 0.015 ओम्स। तो यह हमारी शंट रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें ताकि वो गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में बदल सके। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो एमीमीटर होगी, आर ऑफ एमीमीटर, जो एमीमीटर होगा वो होगी GS / G+S, क्योंकि हमारी जो शंट है और जो गैल्वेनोमीटर है वो पैरेलल में है तो उनके रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में आएंगी। तो जाएगा 0.015 × 25 / 25.015, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0.01499, यानी अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.015 ओम्स। ये हमारी एमीटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें कन्वर्ट करना है एमीटर को वोल्ट मीटर में, तो जब हमें एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो इसमें हम लोगों को दे रखा है कि जो IG है वो है 1 एम्पियर्स। IG हमारा 1 एम्पियर है, वोल्टेज दे रखा है हमारा 1 वोल्ट, और जी जो रेजिस्टेंस है, जो जी डैश है, ये हमारी एमीटर बनाने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगी यानी ये वाली होगी सेकंड में, जो हमने ये निकाली थी 0.015 ओम्स। तो हमारी जो रेजिस्टेंस हमें इस केस में लगानी पड़ेगी वो होगी V/IG − G-। तो ये हो जाएगा 0.985 ओम्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।